विद्युत विभव। विद्युत के अंतर्गत इसके पहले बताया गया था विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो घर्षण आदि के कारण उत्पन्न होती है। यदि दो वस्तुओं का आपस में घर्षण कराया जाए तो एक वस्तु में धन आवेश और दूसरे वस्तु में ऋण आवेश आ जाता है। अर्थात वस्तुओं में यह जो आवेश उत्पन्न हुआ है वही आवेश जो है विद्युत ऊर्जा है। एक प्रकार से पदार्थों को जब रगड़ा गया, रगड़ने के पश्चात घर्षण की क्रिया के पश्चात उसमें जो आवेश उत्पन्न आया, एक पदार्थ में धन आवेश, एक पदार्थ में ऋण आवेश, इस आवेश की प्रकृति ऐसी हो जाती है कि समान आवेशों को आपस में ये प्रतिकर्षित करते हैं और यदि विपरीत हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस गुणधर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं में, उन वस्तुओं में जिनमें यह गुण आ गया विद्युत ऊर्जा, वह दूसरे वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। इसके अंतर्गत विद्युत विभव शब्द से तात्पर्य है पदार्थ, विद्युत चालक पदार्थ जो है उसकी विद्युतीय अवस्था। अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत विभव अगर वह चालक पदार्थ है, आवेशित है, तो उसकी विद्युतीय अवस्था को दर्शाता है। अधिक विभव वाला पदार्थ को कम विभव वाले आवेशित चालक से जोड़ दिया जाए तो आवेश अधिक से कम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार जैसे हम लेते हैं कि कोई चालक पदार्थ या किसी आवेश से आवेशित कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एकांक आवेश को लाते हैं। जैसे यहां पर क्यों धनावेश वाले आवेशित क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाया जा रहा है, तो यह आवेश क्यों इस एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। अब हम यदि इस एकांक धनावेश को इस क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के ले जाने का प्रयास करें तो हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, जैसे ये बिंदु O पर आवेश Q है, बिंदु P पर एकांक आवेश है, इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक के लाया जाए। जैसे जैसे इसे करीब लाते जाएंगे हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही किया गया कार्य जो है विभव कहलाएगा। अर्थात विद्युत विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। यहां पर कार्य और आवेश से तात्पर्य यह है कि उस धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। यहां पर वह आवेश है जिसको लाया जा रहा है उस क्षेत्र में, उसको लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है। अतः विद्युत विभव को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि एकांक धनावेश को अनंत से, या कहें क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है, तो किया गया कार्य कहलाएगा विद्युत विभव। इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। अर्थात वोल्ट, यानी एक कूलाम आवेश को यदि
अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में एक जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो उस विद्युत विभव का मान जो है एक वोल्ट होगा। इसके बाद यदि हम आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के ले जाते हैं, जैसे बिंदु बी से बिंदु ए तक के ले जाया जा रहा है, अनंत से यदि आवेश को बिंदु बी तक के लाते हैं, तो ये अनंत से बिंदु बी तक के लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह बिंदु बी का विभव कहलाएगा, बिंदु ए तक के लाने में जो कार्य करना पड़ा वह बिंदु ए का विभव कहलाया। इन दोनों बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर है, अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लाने में, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वही किया गया कार्य जो है उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। इसका मात्रक भी वोल्ट है। अगर अलग अलग विद्युत विभव या दो आवेशी चालक ऐसे हैं जिनके विद्युत विभव का मान अलग अलग है, उन चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे एक चालक है ए, एक चालक है बी, ए का विभव माना वी ए है, बी का विभव माना कि वी बी है, इन चालकों को यदि किसी चालक तार से हम जोड़ दिए, यहां पर यह मानते हैं कि चालक ए का विभव वी की अपेक्षा अधिक है, तब ऐसे स्थिति में इस चालक ए जहां पर कि विद्युत ज्यादा है, विभव ज्यादा है, अर्थात इसमें से आवेश बी की ओर, विद्युत ए से, चालक ए से बी की ओर जाने लगता है, जिसे हम कहेंगे कि ए से बी की ओर आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से जब आवेश का प्रवाह होने लगता है, आवेश गतिमान हो जाता है, तो उसको कहा जाता है विद्युत धारा। तो यहां विद्युत धारा शब्द से तात्पर्य यह है आवेश का प्रवाह, अर्थात विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश और समय का अनुपात। किसी चालक में, तार में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान, यदि किसी चालक में एक सेकेंड में क्यू कूलम या ऐसा कहें एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो वहां पर बहने वाली धारा का मान हो जाएगा एक एम्पियर। इसे हम कहेंगे विद्युत धारा। इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो जाता है एम्पियर। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, एक तार में पांच एम्पियर धारा दो मिनट तक प्रवाहित करने पर
पुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। इस मान को इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है कि हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर हो जाता है आवेश और समय का अनुपात। यहां पर दिया है आवेश का मान बराबर 5 एम्पियर, समय का मान है 2 मिनट अर्थात 120 सेकेंड। हमें यहां पर आवेश का मान ज्ञात करना है। समय का मान 2 मिनट दिया है। विद्युत धारा का मान है 5 एम्पियर। इसलिए आवेश सूत्र के से हो जाएगा आवेश बराबर धारा गुणा समय अर्थात 5 × 120 बराबर 600 कूलम। यानी किसी तार में 5 एम्पीयर की धारा अगर 2 मिनट तक के प्रवाहित करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि उसमें 600 कूलम आवेश का प्रवाह हुआ। आगे हम देखेंगे कि चालक तार में विद्युत विभव आरोपित करने पर उसमें धारा का प्रवाह किस रूप में होता है, इसके संबंध में ओम वैज्ञानिक ओम ने बताया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था से मतलब उसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभव उसमें उसके सिरों पर जो विभव का मान है वह विभव अर्थात चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है या V का मान हो जाता है R गुना I। इस सूत्र में यहां पर जो R है यह R है उस चालक तार का प्रतिरोध। यह है ओम का नियम। इसमें R प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध शब्द से तात्पर्य है विद्युत धारा के प्रवाह में चालक पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म जो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। इस सूत्र से देखें हम तो प्रतिरोध R बराबर हो जाता है V/I अर्थात विभव और धारा। इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। यानी ओम अर्थात 1 वोल्ट के
के विभवांतर पर यदि एक एम्पियर की धारा बहती है तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यहां पर इस प्रतिरोध का मान, यह प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यह प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, पदार्थ की प्रकृति, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। R का मान N के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। दूसरा, निर्भर करता है यह चालक की लंबाई, R का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरी स्थिति है इसमें क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल के क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल अधिक होगा तार का तो प्रतिरोध कम होगा। एक स्थिति है इसमें ताप, यदि चालक तार का ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध इन पर निर्भर करता है। इसमें इनके आधार पर देखा जाए तो प्रतिरोध का मान, R का मान अनुक्रमानुपाती L के, R का मान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R का मान बराबर हो गया रो इंटू एल अपॉन ए। यहां पर रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, R एक रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि हम यहां पर L बराबर 1 ले लेते हैं, A बराबर 1 ले लेते हैं, अर्थात एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद और इकाई लंबाई, तब R का मान हो जाएगा रो, अर्थात रो इक्वल टू R। इसका अर्थ यह है कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद और एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि इकाई आयतन वाले तार का प्रतिरोध ही उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का उपयोग करते समय कभी कभी स्थितियां ऐसी आती हैं कि हमको
ऐसे प्रतिरोध, ऐसे मान वाले प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ जाती है जो दिए गए प्रतिरोध के मान में या उस मान का हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जिस मान का प्रतिरोध की आवश्यकता रहती है उस मान के प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए अन्य उपलब्ध प्रतिरोधों को संयोजन करना पड़ता है। अर्थात दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उनके संयोजन के पश्चात जो परिणामी आता है, तुल्य प्रतिरोध आता है, उस तुल्य प्रतिरोध का मान जिस प्रतिरोध की हमको आवश्यकता है उसके मान के बराबर रहे। उदाहरण, यदि हमारे पास R1 R2 मान वाले दो प्रतिरोध हैं, हमें R ओम वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है, तब ऐसी स्थिति में इन R1 और R2 प्रतिरोधों को हम संयोजित करके इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि R1 और R2 के संयोजन का तुल्य परिणामी इस R के मान के बराबर रहे, तब ऐसी स्थिति में इस संयोजन से प्राप्त प्रतिरोध को हम इसके बदले में उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा संयोजन करने का दो तरीका है, जिसमें से एक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए दिए गए प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का आखिरी सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रमशः इस प्रकार से जोड़ते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा आखिरी प्रतिरोध का आखिरी सिरा विद्युत स्रोत से एक कुंजी और एमिटर के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध को विद्युत परिपथ में उपयोग में लाने के लिए संकेत का उपयोग किया जाता है। यह संकेत प्रतिरोध के लिए है। माना हमारे पास R1, R2, R3 मान वाले तीन प्रतिरोध हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम इसको इस प्रकार से जोड़े और इनके सिरों पर विद्युत स्रोत लगाते हैं। इस परिपथ में धारा बहने लगती है कुंजी के एमिटर, ये प्रतिरोध R1 R2 R3। तो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभव V1, R2 के सिरों पर उत्पन्न V2 और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभव V3 माना। तब इस चालक तार में उत्पन्न कुल प्रतिरोध इस चालक तार का कुल प्रतिरोध बराबर माना R है। तो R का मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें धारा I प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित करते हैं। R1 के सिरों पर उत्पन्न विभव बराबर R1I, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव V2 बराबर R2I, इसी प्रकार तीसरे के लिए विभव V3 बराबर R3I। तुल्य प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभव को ले लें, V बराबर हो जाएगा RI। इस प्रकार हम देखते हैं कुल विभवांतर V का मान V1 प्लस V2 प्लस V3 या तो यहां पर V
कुल विभव V का मान बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस समीकरण से V, V1, V2, V3 का मान यहाँ पर रखने पर R I बराबर R1 I धन R2 I धन R3 I या R I बराबर I R1 धन R2 धन R3 या R बराबर हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। अर्थात हम देख रहे हैं कि कुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के सभी प्रतिरोध जो है उनको जोड़ने के बराबर होता है। उदाहरण जैसे प्रश्न, हमारे पास 10 ओम के तीन प्रतिरोध हैं, तो हमें इन तीन प्रतिरोधों का परिणामी 10 ओम के तीन प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का परिणामी ज्ञात करना है। हल, माना वे तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, तीनों का मान एक समान है अर्थात 10 ओम, तब कुल परिणामी R बराबर हो जाएगा सूत्र R1 धन R2 धन R3 से 10 धन 10 धन 10, इस प्रकार से 30 ओम। यहां हम देखते हैं कि कुल या तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है उन मानों से अधिक है। इस प्रकार का संयोजन है श्रेणी क्रम में संयोजन। अगला संयोजन है इसमें समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन के लिए दिए गए प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ दूसरा सिरा एक साथ जुड़े होते हैं और फिर उन दोनों सिरों के बीच में विद्युत स्रोत को लगाया जाता है। जैसे हमारे पास R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं तथा माना इनका तुल्य प्रतिरोध है R, तो हम R को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। R1 पहला प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में इनके एक सिरे को जोड़ लेंगे और से जुड़ेंगे। यहां पर धारा आई प्रवाहित होती है इस सिरे पर आकर के धारा तीन भागों में बट गई आई वन आई टू आई थ्री, यह है विद्युत स्रोत। आर वन के सिरों पर उत्पन्न विभव
आर टू आर थ्री इन दोनों तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहां पर उत्पन्न विभव का मान है V। तब ओम के नियम से V इक्वल टू आर आई या I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। या कुल धारा I बराबर होगा I1 धन I2 धन I3। इसमें हम देखते हैं प्रतिरोध R में बहने वाली धारा का मान, प्रतिरोध R में बहने वाली धारा का मान I1, I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। इसी तरह R2 में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V R3। परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर V अपॉन R। हम I का मान, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान समीकरण I बराबर I1 धन I2 धन I3 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 धन V अपॉन R2 धन V अपॉन R3। ये पद आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग परिणामी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे प्रश्न 10 ओम के तीन प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तो इनको जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम। यह हो जाएगा सूत्र, माना R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 10 ओम, क्योंकि तीनों का मान बराबर दिया हुआ है। तब कुल परिणामी 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3 से मान रखने पर 1 बटे 10 धन 1 बटे 10 धन 1 बटे 10। इसे और सरल करेंगे तो 1 बटे R बराबर आया 1 बटे 10 धन 1 बटे 10 धन 1 बटे 10 बराबर 10। या 3 बटे 10 बराबर 1 बटे R, या R का मान आ जाएगा 10 बटे 3 ओम। इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ने पर मान आया। यहां पर हम देखते हैं कि R का मान जो है 10 बटे 3 अर्थात 10 से भी कम प्राप्त हो रहा है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो मान जो है दिए गए प्रतिरोधों के मान से कम प्राप्त होता है। यहां पर हम इस प्रकार से विद्युत के अंतर्गत, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत जो उसका अध्ययन हम पढ़ते हैं, मुख्य दो भाग हो जाते हैं। एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं और धारा विद्युत के अंतर्गत गतिशील आवेशों के बारे में।
रूप से विद्युत के अध्ययन को। स्थिर विद्युत और धारा विद्युत, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के रूप में जिसमें स्थिर विद्युत जो है वह स्थिर आवेशों का अध्ययन और धारा विद्युत के अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन। दो आवेश स्थिर रहते हैं, उनके मध्य बल लगता है। सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल। इस बल को कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव रहता है उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आवेश अगर किसी पदार्थ में है उसकी विद्युतीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए हम विद्युत विभव का उपयोग करते हैं। विद्युत विभव एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है, वह पदार्थ की विद्युतीय अवस्था को व्यक्त करता है। किसी चालक के सिरों पर अगर विभव आरोपित होता है तो यह विभव उसमें बहने वाली धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आई या भी इक्वल टू आर आई, जहां पर आर चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है जो कि चालक का एक गुणधर्म है जिसमें वह चालक में धारा में प्रवाहित धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोधों को परिपथ में दो तरीके से उपयोग में लाया जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। इस तरीके से हम विद्युत के अध्ययन को देखिए। धन्यवाद।